हेलो दोस्तों, कुकिंग विद आस्था चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने अगेन हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम सीखेंगे गुल्लर की सब्ज़ी जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। दो तरीक़ों से हम सीखेंगे गुल्लर की सब्ज़ी को बनाना। दोस्तों, लाइफ में कभी भी मौका मिले, अगर आपके पास आसपास गुल्लर मिले कभी भी, तो आप इसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो भी पोस्ट करूंगी जिसमें आपको इसके फ़ायदे के बारे में बताया जाएगा। तो फिलहाल आज हम सीखेंगे कि आप दो अलग अलग तरीक़ों से इसकी एक बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो सब्ज़ी होती है वो कंपेयर टू अदर सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा तेज भी बनती है। तो कभी भी आपको मौका मिले तो इसकी सब्ज़ी जो है वो ज़रूर बना करके देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुल्लर को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको अंदर से साफ़ कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू की सहायता से इसको अंदर से अच्छे से साफ़ कर ले, या फिर अगर आपको टूथपिक मिले तो आप उसकी सहायता से भी अंदर से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे गुल्लर को अच्छे से दो टुकड़ों में डिवाइड करके अंदर से अच्छे से साफ़ कर देंगे, और इसके बाद हम इसको पानी में डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पानी के अंदर डाल रखा है। अगर आप इसके दो टुकड़े करके सब्जी बनाना चाहते हैं तो इसको बहुत अच्छे से धो लेना है और धो करके उबाल लेना है। उबालने के बाद आप इसकी सब्जी जो है वो आसानी से बना सकते हैं। पानी में डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से धो करके अच्छे से सुखा लेंगे। आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसको हमने धो करके अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। हम इसका बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बना रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा ही ग्राइंड करेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो डायरेक्ट इस तरीके से भी सब्जी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दो तरीके से हम सब्जी बनाएंगे। तो जैसा कि हमने दो भागों में इसको काटा है और उसके बाद हमने इसको वॉश किया है, इसके बाद आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसको मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मिक्सर के बिना आप कूटने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हल्का सा इसको कूट करके भी इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। इसकी सब्ज़ी जो है वो दोनों तरीक़ों से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। गुल्लर को मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद दोस्तों, हमें इसको भी उबाल लेना है, क्योंकि उबालने के बाद इसकी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। तो थोड़ा सा उबाल लेने से इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है। दोस्तों, ये जो सब्जी है वो हमने मिक्सर में ग्राइंड करके गुल्लर की सब्जी तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हमने बनाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो जो है वो बना करके दिखाऊं कि हम किस तरीके से ये रेसिपी बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो है सब्जी बनाने का, तो जैसा कि हमने दो टुकड़ों में डिवाइड किया था उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमने ग्राइंड किया था, इन दोनों को इस्तेमाल करके हम इसकी एक सब्जी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको लहसुन प्याज और तेल और जीरा डाल करके और सूखा मिर्ची डाल करके हम अच्छे से भून लिया। हमने दूसरी तरफ हमने लहसुन प्याज सबको डाल करके मसाला डाल करके हम अच्छे से पका रहे हैं। जब मसाला अच्छे से पक जाए, हमें इस भुनी हुई सब्जी के अंदर मसालों को डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके एक दो सेकंड के लिए हम पकाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जब पानी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि ये सब्जी जो है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरीके से आप आसानी से दो अलग अलग तरीक़ों से ये रेसिपी जो है वो बना सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, ये सब्ज़ी दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों रेसिपी की फुल वीडियो डालूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये नॉर्मल सब्जी की तरह ही सब्जी बनाई जाती है, मगर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया दोस्तों।